इन दोनों विश्वविद्यालयों में मुसलमानों के साथ हिंदू छात्र भी अच्छी तादाद में पढ़ते हैं और हिंदू छात्रों ने भी और दूसरे धर्मों के छात्रों ने भी इन विरोध प्रदर्शनों में अच्छी संख्या में हिस्सा लिया है। इसलिए सिर्फ मुसलमानों का विरोध नहीं था, ये ध्यान रहे। यह बात अपने खुद सीट पर पड़ जाएंगे। तो इसी बीच आप जैसे देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो कि घायल हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी बात रखेंगे, तो यहाँ मीडिया आप उन लोगों को कवर कर रही है। तो इसमें मीडिया को ऑप्शन मिला है कि मीडिया किस तरह से भगदड़ कर रही है, इसको भी समझिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें कल उच्च सर्वोच्च न्यायालय के रुख से बहुत निराशा हुई। कल जब इंदिरा जयसिंह और कोलिन गोंजाल्वेस वहां खड़े हुए और उन्होंने ध्यान खींचने की कोशिश की उस हिंसा की तरफ, प्लीज अगर आप पीछे नहीं जाएंगे तो इस शोर शराबे में ये एक काफी गंभीर मसले पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसमें हम सबको बहुत कुछ काबू करना पड़ेगा। ये हड़बड़ी का मामला नहीं है। जो जिन्हें रिकॉर्ड नहीं करना है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो बाहर चले जाएं ताकि हमारे फोटोग्राफर दोस्तों को और बाकी लोगों को जगह मिल सके। जो एक्टिविस्ट हैं हम उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं। थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज। जो जर्नलिस्ट हैं, जो फोटोग्राफर हैं, उनको प्लीज आप जगह दीजिए और बाकी लोग पीछे चले जाएं। हिंसा के कानून में संशोधन करके जो नया कानून बनाया गया है उसका विरोध करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है। एनआरसी और भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन संबंधी कानून, इन दोनों का निशाना खासकर मुसलमान है। इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ इसको उजागर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये दोनों चीजें साथ हो रही है। इसलिए इस देश के मुसलमानों को विरोध करने का पूरा हक है। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को खासकर मुसलमान नाम से जोड़कर उनको बदनाम करने की कोशिश पिछले 7 बरस से यह सरकार, इस सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जो जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ है वह छात्रों के और नागरिकों के विरोध करने के, अपना मत व्यक्त करने के अधिकार पर सीधा हमला है और उनके शहरियत के अधिकार पर सीधा हमला है। अभी जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में शायद इसकी सुनवाई हो रही होगी और कल जो कहा गया कि वे छात्र हैं तो क्या उन्हें हिंसा करने की इजाजत नहीं है, हम इस पर निराशा जाहिर करना चाहेंगे क्योंकि छात्रों ने हिंसा नहीं की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक हिंसा नहीं रुकती हम सुनवाई नहीं करेंगे, हिंसा पुलिस को रोकी। हम उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस बात को दर्ज करेगा कि हिंसा किसने की और वो एक निष्पक्ष जांच करवाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भारत को कैसे चलाया जाएगा यह फैसला उसके लोग करेंगे। भारत में शहरियत कैसे चलेगी इसका फैसला उसके लोग करेंगे। और यह सरकार अगर इस गुरूर में है, इस बहुमत के चलते वो भारत के लोगों का रिकन्फिग्रेशन कर सकती है, तो वो गलतफहमी में है और उसको उस गलतफहमी से जगाने का काम हिंदुस्तान के छात्र और नौजवान कर रहे हैं। और इसके लिए जो कुछ भी वे झेल रहे हैं उसको देखते हुए भी हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं।